हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी। इस ब्लॉग के अंदर अभी हम दिखे हैं खेतों की फसलों के अंदर। ये ब्लॉग स्पेशली गांव आने पर हुआ है, जो रक्षाबंधन पे अभी हम गांव में हैं और देख रहे हैं इस टाइप की ये कपास जो है यहाँ की छोटी है। पूरे खेत में ये देख सकते हैं, इधर से मैं लेके अभी देख सकते हो तावड़े के अंदर इस टाइप से पाइप को पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है। और इस टाइप की ये कपास है, इसमें हम कर रहे हैं स्प्रे। और कपास अभी देख सकते हैं, इसमें फाल वगैरह अच्छे नहीं लगे, एक बार लग रहे हैं साथ में, और ये पत्ते भी गिर रहे हैं साथ में, तो उसके लिए स्प्रे कर रहे हैं ताकि कुछ अच्छा फाल लें, कुछ अच्छी कपास हो, तो हम भी कुछ अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे और अच्छा पीछे होगा तो सारों की होगो। ठीक है, कपास थान में बताई दी, ट्रैक्टर चलायो वो थान बता दियो, और के कुछ बताना है वो कमेंट लिखो। आज शाम तक, कल तक हट्ठे ही हूँ तो और बता दूँगा, कुछ पूछोगा तो। ठीक है, कि यहाँ स्प्रे होने लाग रही है, ब्लॉग बनावा थारो भी थाने ब्लॉग ले लिया, स्प्रे करता रहो और देख लियो तैयारी कहेंगी करे भाई। तू सीजीएल की तो आज तो सीजीएल अट निकल लाग रही है, क्या रक्षाबंधन मनाई जाए तो। हाँ तो ढंगो नए पढ़ियो नहीं हो जिंदगी भर, तो करना ही है तो पढ़ना ही है। ठीक है, नहीं और क्या देवलाल बढ़िया लागे तो क्या कपास स्प्रे हो रही वे और ही वेदन करिया रखो बढ़िया है। आ गया मुकेश जी भानु साहब, देखो करन लाग रहे हैं स्प्रे, सारा ये एक सागी काम लाग रहे हैं। और अभी आ पकड़ी पाई पड़ी, हलो भाई थंदी कमा कौन ब्लॉग कितनी भाई जी कर बुलाई तेर सास रिया देख ले कटी तो कही मार छोरी ब्लॉग में आ गया हम के करा। देखो सा खेत मायने न्यू भरी मकान बनान खातर इंटा अटिन रखड़ी है, और न्यू रे ऊपर में तो धान बाद दियो क्या के इतनी मायने। देखो गंवार बाद लियो हम सब्जी होरी बनावा, गंवार फली गई और अठिन टेंको तो न्यू तो फुल बड्डी भरड़ी है, और फाइनल बिल्डिंग बन सी जद लोग बनार बतावा थाने। पर एडो सो खेड़ो है, एडो सो घर है, यहाँ कपास मायने स्प्रे करा। हाँ किया लागे थाने मारे देवीलाल जी छोटा ही छोटा भाई करन लाग रहा स्प्रे, और देवीलाल जी किया बढ़िया है। यस, आज स्पेशल देवीलाल जी पर ही हो रही है ब्लॉग, तो आज ब्लॉग में देवीलाल जी दिखे वो भाई, और वहाँ पे कर रहे हैं स्प्रे, और मैं आ गया ट्रैक्टर के पास। इधर टंकी में पानी और स्प्रे कितना बचा ये चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं कितना सा बचा है। और अब हम देखते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ इस मशीन के बारे में, ये मशीन क्या है, किस टाइप से ये पंप करती है, पानी उठाती है। आपके जाना चाहो तो ये मशीन अच्छी मशीन है और ज़्यादा पैसों की भी नहीं है। अपना यहाँ पर ये नया वाला ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर की सापड़ से ये चल रहा है। इस टाइप से तीन पंप लगे होते हैं इस मशीन के अंदर, और ये सब के माध्यम से ये मशीन में रोटेट करता है और ये पंप काम करता है। पंप की मदद से ये टंकी में से एक मेन पाइप है जिससे पानी उठाता है ये, और इसमें दो पाइपें निकलती है वापस। ये एक फिल्टर लगा हुआ है, और इसके साथ साथ ये घड़ी लगी हुई है जो आपका प्रेशर बताती है कि मेन जो स्प्रे वाली लाइन है उसमें कितना प्रेशर देना है, उस हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। इस पाइप की मदद से आप जो भी इस पाइप से आपने ज़्यादा उठाया पानी वो इस पाइप में नहीं गया और बच चुका है, तो वो इस पाइप की मदद से वापस इसमें चला जाता है, और ये पाइप में यहाँ पे रहता है जो बराबर लगा हुआ, इसमें देख सकते हैं आप जो बराबर रहता है ना, जिससे कि ये गुदलता रहता है अंदर स्प्रे को, तो जिससे अच्छे से काम करें उस हिसाब से। ये थोड़ा सा सिस्टम था आपको मैंने बताया कैसा लगा, और स्प्रे करने का पूरा तरीका आपको दिखाया।
और भी ऐसी कोशिश करेंगे दिखाने की। अभी मैं ट्रैक्टर पे बैठ जाता हूँ एक बार। ये लो समय तो ट्रैक्टर पे बैठ गया, ठीक है। और जैसे ये घर के आगे का सफ़ा जो आपको बताया होगा मैंने, शायद तक नहीं बताया, तो कोई बात नहीं अभी बता देता हूँ। अभी नया बना रहे मकान ये पूरा, जिसमें ये भैंसा वास्ते मतलब पशु वगैरह बांध देंगे, कोई दिक्कत को नहीं। और वो बराबर वालों सफ़ा है भी मैंने गाड़ियाँ ट्रैक्टर छोड़ देंगे, क्योंकि दो गाड़ियाँ होगी घर में, एक ये वालों ट्रैक्टर हो गया, तीन व्हीकल अंदर आराम हो आ जाएगा। काफ़ी बड्डो बनायो है ये घर के आगे वो दृश्य है, वह मशीन खड़ी है जब सर्दियों की फसलों और निकालने वास्ते। और ये घर के आगे को दृश्य है आप कई बार पहले भी ब्लॉग में देखे और अभी भी देख सको, ठीक है। मिला तो फिर।